एआर जोशी साहब, जिस तरह से भारत बचाओ रैली का आयोजन कर रही है कांग्रेस, तो आपके जिले में क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारे जिले में क्या, पूरी दिल्ली में बहुत बखूबी तैयारी चल रही है। चारों तरफ से बहुत भारी संख्या में लोग जुटाए जा रहे हैं और जुटाए नहीं जा रहे, लोग वॉलंटरी खुद आ रहे हैं। चूँकि ये भारत बचाओ रैली है कांग्रेस के बैनर के नीचे से, सोनिया गांधी के नीचे, और दिल्ली में हमारे जो अध्यक्ष हैं और श्रद्धेय सुभाष चोपड़ा जी, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी सारी टीम पूरी बड़ी लगन से और इस रैली को सक्सेस करेंगे। और कल लाखों आदमी आपको रामलीला मैदान में मिलेगा और मैं आपसे गुजारिश करूँ, आप आइए और कवर कीजिए। करावल नगर जिला कांग्रेस की कमेटी की ओर से कितनी बसें जा रही हैं तकरीबन? करावल नगर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारी 50 बसें प्लस 75 मारुति वैन और 100-150 जो है ये कारें हैं अपनी, जैसे टाटा सूम वगैरह, तो इसमें बहुत भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, मोटरसाइकिल और वो अपने वाहन से भी लोग जा रहे हैं, तो सब में उत्साह है। चूँकि जो हालात आज पूरे भारत में जो बेरोजगारी का बना हुआ है, महंगाई का बना हुआ है, पेट्रोल और डीजल की महंगाई आप देखिए क्या है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो कल नागरिकता पर संविधान के साथ जो खिलवाड़ की गई, उसमें लोगों पर रोष है और लोग ऐसी गवर्नमेंट से निजात पाना चाहते हैं जल्द से जल्द। सीएबी बिल जैसे राज्यसभा में भी पास हो गया है और उसके बाद उत्तर भारत के जो राज्यों में, खासतौर से आसाम त्रिपुरा में जो जल रहा है, आसाम और त्रिपुरा, तो क्या ये आग कहीं ऐसा तो नहीं आगे तक बढ़ जाएगी, लोगों में ये गुस्सा कहीं आगे तक तो नहीं फैल सकता? और सरकार ने अगर अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो? देखिए, दो चीज़ है, हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में कोई किसी तरह की अशांति और इस तरह की जो है कानून लोग हाथ में लें, लेकिन कानून के दायरे में रह करके अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश हमारा है, यहाँ की संपत्ति भी हमारी है। इसलिए जो हमारा संविधान अलाउ करता है, संविधान के दायरे में रह करके हम आवाज़ अगर उठाएँ और, तो उसमें कोई बात ऐसी नहीं है। और सर्टेनली गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, कानून तो पास हो ही चुका, बट लोगों में बहुत आक्रोश और क्रोध है। तो क्या कांग्रेस लीड करेगी इसमें, जो जो आक्रोश वाले लोग हैं उनका नेतृत्व करेगी कांग्रेस? कांग्रेस हमेशा लीड करती है सभी लोगों का, जो अकलियत असलियत माइनॉरिटी ST ST गरीब जनता जो भी है, चाहे OBC है चाहे वो जनरल है, जो गरीब है, गरीब की कोई कास्ट और धर्म नहीं होता, वो सब गरीब गरीब हैं, ये सब लोगों के लिए कांग्रेस बनी है। कांग्रेस इस देश में समरसता, स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता का पोषक रही है और सर्टेनली इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको